वेलकम बैक क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 राइज ऑफ न्यू किंगडम्स। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो वी हैव सीन न्यू मेन पावर्स हु केम इनटू एग्जिस्टेंस। दे वेयर राजपूत, पाल्स एंड राष्ट्रकूटास। द राजपूत वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू गुर्जर, प्रतिहारा एंड चाहमांस। चाहमांस ऑल्सो नोन एज चौहान। तीन भागों में नए शक्तियाँ विभाजित थीं, बटी हुई थीं। राजपूत थे पहले, दूसरे पाल, तीसरे राष्ट्रकूटास। राजपूत आगे जाके गुर्जर, प्रतिहार और चाहमांस, जिन्हें हम चौहान के नाम से भी जानते हैं, उनमें डिवाइडेड थे, उनमें बटे हुए थे। गुर्जर प्रतिहार में हमने पढ़ा नागभट्ट फर्स्ट के बारे में जानकारी ली। डिटेल नहीं जाना है जी, आज हम डिटेल करेंगे। बट गुर्जर प्रतिहार डिवाइडेड थे नागभट्ट फर्स्ट, मिहिर भोज एंड महेंद्रपाल। दिस इज जस्ट फॉर योर रिकलेक्शन ऑफ डेटा। हमने अभी तक जो जो किया है, थोड़ा सा एक रिवीजन हो रहा है फॉर इन्हांसिंग योर मेमोरी अबाउट दिस चैप्टर। चाहमांस और चौहांस मेजर रूलर वेयर पृथ्वीराज चौहान एंड अदर इम्पॉर्टेंट राजपूत क्लैंस और सोशल ग्रुप्स लाइक द तोमर, परमार, सोलंकी एंड चंदेल वेयर फ्रॉम चाहमान राजपूत। नाउ द पाल वेयर डिवाइडेड इंटू गोपाल, धर्मपाल, देवपाल एंड महिपाल। वेयर एज थर्ड राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूटा, दे वेयर दंती दुर्गा, ध्रुवा फर्स्ट, गोविंदा थर्ड, अमोघ वर्षा एंड कृष्णा थर्ड। नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर सीरीज टुडे, पार्ट 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम। वी विल स्टार्ट विथ राजपूत। हम राजपूतों से शुरुआत कर रहे हैं। द राजपूत्स वेयर क्लैन और सोशल ग्रुप्स हु एस्टैब्लिश्ड सेवरल पावर किंगडम्स इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम 8th to 12th century कॉमन एरा। राजपूत ऐसे लोग, पावरफुल किंगडम, साम्राज्य का समूह था, लोगों का समूह था, जिन्होंने उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत में अपना वर्चस्व, अधिकार स्थापित किया 8वीं सदी से 12वीं सदी तक, फ्रॉम 8th to 12th century कॉमन एरा। ट्रेंड फ्रॉम अ यंग एज इन द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, द राजपूत वेयर वैलियंट वॉरियर्स नोन फॉर दियर करेज एंड सेंस ऑफ कैवलरी। राजपूत जो थे, उन्हें बचपन से ही ट्रेन किया जाता था युद्ध के लिए, बैटल्स के लिए, फॉर वॉरफेयर। दे वेयर वैलियंट मीन्स करेजियस वॉरियर, नोन फॉर दियर करेज एंड सेंस ऑफ कैवलरी। ऑफ द मेनी राजपूत डायनेस्टी, टू ऑफ द मोर प्रोमिनेंट वंस वेयर द गुर्जर प्रतिहार एंड चाहमांस। राजपूत डायनेस्टी में दो सबसे महत्वपूर्ण और साहसी राजपूत थे, गुर्जर प्रतिहार और चौहान, या जिन्हें हम चाहमान से भी जानते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट गुर्जर प्रतिहार। हम अब गुर्जर प्रतिहार के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। द गुर्जर प्रतिहारा और प्रतिहार्स रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 6th to 11th century। इन्होंने उत्तर भारत में अपना शासन किया 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। नागभट्ट फर्स्ट फ्रॉम 730 टू 756 कॉमन एरा वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का सबसे मुख्य रूलर था नागभट्ट फर्स्ट। अंडर हिम द प्रतिहार्स वेयर एबल टू टेक कंट्रोल ओवर उज्जैन एंड सक्सेसफुली वार्ड ऑफ अरब इन्वेडर फ्रॉम सिंध। नागभट्ट फर्स्ट के शासनकाल में, ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड, प्रतिहार्स वेयर एबल टू कंट्रोल। इन्होंने क्या किया कि उज्जैन पे, जो मध्य प्रदेश में है अब, वहाँ पे अपना शासन और रूल स्थापित कर लिया। एंड दे सक्सेसफुली वार्ड ऑफ अरब इन्वेडर्स, और इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को, जो अरब देश से फॉरेन इन्वेडर्स आक्रमण करने आए थे इंडिया पे, उनको भगाया फ्रॉम सिंध। सिंध प्रांत का एरिया खाली करवाया अरब इन्वेडर्स से। नाउ
आफ्टर नागभट्ट फर्स्ट मिहिर भोज, मिहिर भोज टाइम पीरियड इज़ फ्रॉम 836 टू 885 कॉमन एरा, अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर एक्सटेंडेड द एम्पायर फ्रॉम द रिवर सतलुज इन द वेस्ट टू द रिवर नर्मदा इन द साउथ। नागभट्ट फर्स्ट प्रथम के बाद मिहिर भोज दूसरा इम्पॉर्टेंट रूलर था जिसने अपना साम्राज्य पश्चिम में जो नदी बहती है सतलज नदी पश्चिम पंजाब की तरफ, पंजाब जम्मू कश्मीर के एरिया में, वहाँ से लेकर नर्मदा जो कि साउथ में बहती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश तक उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। ही एस्टैब्लिश्ड हिज रूल अप टू रिवर नर्मदा इन साउथ, नाउ नर्मदा कम्स अंडर स्टेट एमपी। ये मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र की ओर गुजरात की ओर बहती है टुवर्ड्स वेस्ट रीजन। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर कन्नौज इन 836 कॉमन एरा, और कन्नौज पे अपना अधिकार स्थापित किया। एट दैट टाइम कन्नौज वॉज वेरी फेमस कैपिटल ऑफ नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट विक्ट्री फॉर द प्रतिहार्स बिकॉज कन्नौज द कैपिटल ऑफ हर्षाज और हर्षवर्धन एम्पायर वॉज सेंट्रली लोकेटेड एंड इकोनॉमिकली प्रॉस्पर। कन्नौज इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये हर्षवर्धन द्वारा बसाई गई राजधानी थी और यहाँ पर इकोनॉमिकली मीन्स रिलेटेड टू मनी एंड वेल्थ एटसेट्रा काफ़ी प्रॉस्पेरस थे, संपन्न थे, समृद्ध थे। द एम्पायर रीच्ड इट्स पीक, पीक मीन्स हाई, हाई एकदम मतलब ऊंचाई पे बुलंदी। द एम्पायर रीच्ड इट्स पीक अंडर मिहिर भोज सन महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट टाइम पीरियड वॉज 885 टू 909 कॉमन एरा। However, repeated attacks from the Rashtrakuta weakened the Pratihar Empire and by 950 Common Era, it had started crumbling. Mahendrapal पर राष्ट्रकूटों द्वारा इतने अटैक हुए, और आपको पता है कि अगर कोई बार बार किसी पे अटैक करेगा या बैटल करने की कोशिश करेगा, युद्ध की स्थितियाँ होंगी, तो क्या होगा, सामने वाला लॉस करेगा इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। लड़ाई में कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। तो क्रम्बलिंग, क्रम्बल होना मीन्स टू ब्रेक इन टू स्मॉल पीसेस, टुकड़ों में बट जाना। इट फाइनली केम टू एन एंड व्हेन महमूद ऑफ गजनी गेंड कंट्रोल ऑफ कन्नौज इन 1019 कॉमन एरा, और फाइनली एंड हो गया इस साम्राज्य का, प्रतिहार साम्राज्य का। कब? जब महमूद ऑफ गजनी ने जब कन्नौज पे अपना शासन कर लिया, अधिकार कर लिया इन 1019 कॉमन एरा। द गुर्जर प्रतिहार्स इवेंचुअली एस्टैब्लिश्ड द स्टेट ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान। गुर्जर प्रतिहारों ने राजस्थान में मारवाड़ साम्राज्य को बसाया। नाउ विल स्टडी अबाउट चाहमांस ऑल्सो नोन एज चौहान हु बिगिन एज द डिपेंडेंट्स ऑफ द प्रतिहार। चौहानों की शुरुआत, पहले वो प्रतिहार पे डिपेंड रहा करते थे, आश्रित रहा करते थे और प्रतिहारों के लिए काम करते थे। एस्टैब्लिश्ड देयर इंडिपेंडेंट रूल ओवर दिल्ली अजमेर एंड रणथंभौर राजस्थान इन द 12th सेंचुरी कॉमन एरा। उन्होंने दिल्ली अजमेर और रणथंभौर पे अपना शासन अधिपत्य स्थापित किया ड्यूरिंग 12th सेंचुरी। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पृथ्वीराज चौहान, अ ब्रेव वॉरियर। ही डिफिटेड द तुर्किश इन्वेडर महमूद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 कॉमन एरा। द मोस्ट फेमस रूलर, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था वो था पृथ्वीराज चौहान, और ही डिफिटेड 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो लड़ाई लड़ी गई थी, पहली लड़ाई बिटवीन महमूद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। इन दैट बैटल पृथ्वीराज चौहान डिफिटेड मोहम्मद गोरी।
इन द फॉलोइंग ईयर हाउएवर पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बट ड्यूरिंग सेकेंड बैटल दूसरे तराइन के युद्ध में इसका उल्टा हुआ मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन द इवेंट्स ऑफ हिज रेन हैव बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय चंदर बरदाई चौहान्स कोर्ट पोएट इन द पोएम पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान की जो वीर गाथा थी जो अमर उनको अमर कर देने वाली इतिहास में अमर कर देने वाली जो वीर गाथा है वो चंदर बरदाई जो कि चौहान पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे उन्होंने अपने पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखी है वीर गाथा के बारे में बताया है अदर इम्पोर्टेंट राजपूत क्लैंस इंक्लूडेड द तोमर्स परमार्स चंदेल सोलंकी एंड गुहिला दे रूल्ड ओवर दियर रिस्पेक्टिव किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया एंड ब्रेवली रजिस्टर्ड अटैक्स फ्रॉम द अरब एंड तुर्क्स फॉर सेवरल ईयर्स अब हमने चौहानों के बारे में पढ़ा बट देयर वेयर फ्यू अदर राजपूत सोशल ग्रुप्स और क्लैन दे वेयर तोमर परमार चंदेल सोलंकी एंड गोहिला उन्होंने जो बाहर से जो अटैक हुए जो फॉरेन इन्वेडर्स थे फ्रॉम तुर्क और अरब उनको हराया हाउएवर द फियर्स राइवलरी बिटवीन द राजपूत किंगडम फाइनली कॉज देयर डाउनफॉल बट जो ये राजपूत थे इनमें आपस में ही एकता नहीं थी और उसका फ़ायदा फॉरेन इन्वेडर्स ने उठाया आपस में जब इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी राइवलरी फियर्स मीन्स एंग्री और एग्रेसिव आक्रामक राइवलरी मीन्स प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन जब राजपूत आपस में ही लड़ रहे थे तो उन्होंने आपसी लड़ाई में आपसी फायदे के लिए एक दूसरे का नुकसान किया और इससे ये हुआ कि जो राजपूतों की जो पावर थी वो कम होने लगी और उनकी पावर किंगडम में डाउनफॉल हुआ नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पाल पाल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाल इन 750 कॉमन एरा दे रूल्ड ओवर ईस्ट इंडिया इन्होंने पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने 750 कॉमन एरा में की और इन्होंने अपना राज्य बिहार और बंगाल में स्थापित किया बिटवीन द 8th एंड 12th सेंचुरी कॉमन एरा गोपाल्स सन धर्मपाल एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू द फर्दस्ट लिमिट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया अब जो गोपाल का बेटा था उसने अपने पिता के शासन को नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक और दूर तक फैलाया उत्तर पश्चिम में फैलाया बढ़ाया एक्सटेंड किया धर्मपाल्स सन देवपाल एडेड आसाम इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का एरिया जो है आसाम है एंड पार्ट ऑफ ओडिशा टू दियर किंगडम धर्मपाल का के बेटे देवपाल ने अपने पाल डायनेस्टी को पाल साम्राज्य को और आगे बढ़ाया उत्तर पूर्व में आसाम तक और ओडिशा को अपने साम्राज्य में मिलाया देवपाल्स सक्सेसर वे आर अनेबल टू मेंटेन द किंगडम फॉर लॉन्ग टाइम बट जो देवपाल के बाद राजा बने उनके जो पुत्र उत्तराधिकारी वो अपने साम्राज्य को दे वे आर नॉट एबल टू मेंटेन द किंगडम अपने साम्राज्य को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाए या यूं कहें तो वो हार गए थे द डिफीट ऑफ महिपाल इन 1023 कॉमन एरा एट द हैंड्स ऑफ चोल किंग चोल राजा महिपाल जो कि पाल वंश थे उनकी पराजय वो हार गए ही डिफीटेड बाय चोल किंग राजेंद्र फर्दर हैस्टेंड द डिक्लाइन ऑफ द पाल महिपाल को चोल राजा राजेंद्र ने हराया इस तरीके से पाल वंश पाल साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ या ये नीचे की तरफ आ गए या इनका पतन हो गया
दिस टाइम वी विल लर्न अबाउट राष्ट्रकूटा. राष्ट्रकूटा दिस वॉज अनदर डायनेस्टी. ये भी एक तीसरी जो डायनेस्टी है, तीसरा जो साम्राज्य है न्यू पावर का, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. दंतीदुर्गा वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर अ डेक्कन रीजन विथ मालखेड़ और ऑल्सो नोन एज मान्याखेत एज द कैपिटल. राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना एस्टैब्लिशमेंट वॉज डन बाय किसके द्वारा किया गया, तो दंतीदुर्गा के द्वारा किया गया दक्कन में, डेक्कन दक्कन में. और इनकी जो कैपिटल थी दैट वॉज मालखेड़ और कॉमनली नोन एज एट द टाइम मान्याखेत. उस समय में मान्याखेत नाम से भी जाना जाता था राष्ट्रकूटों की राजधानी को. आफ्टर दंतीदुर्गा ध्रुवा फर्स्ट हु बिकेम किंग इन 780 कॉमन एरा डिफीटेड द पाल्स एंड द प्रतिहार. दंतीदुर्गा के बाद जो राजा बना राष्ट्रकूट वंश में ध्रुवा प्रथम, उसने पाल और प्रतिहार राजाओं को हराया, डिफीट किया. द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर हाउएवर वेयर गोविंदा थर्ड एंड अमोघवर्षा. गोविंदा थर्ड एक्सटेंडेड द पावर फ्रॉम कन्नौज इन नॉर्थ टू कांचीपुरम इन द साउथ. गोपाल थर्ड ने अपने साम्राज्य को उत्तर में कन्नौज से लेके दक्षिण में कांचीपुरम तक साम्राज्य को बढ़ाया. अमोघवर्षा वॉज अ स्किल्ड पोएट एंड स्कॉलर. अमोघवर्ष एक बहुत ही जाना माना पढ़ा हुआ सुशिक्षित कवि और स्कॉलर विद्वान था. ही रोट कविराज मार्ग, और उसने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा और कविता लिखी. द फर्स्ट बुक ऑन पोएटिक एंड ग्रामर इन द कन्नड़ लैंग्वेज, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में थी. द एम्पायर वेंट इन टू डिक्लाइन आफ्टर कृष्णा थर्ड. और दंती राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था ये भी अपने पतन, अपने डिक्लाइन, अपनी डिग्रोथ की ओर चल पड़ा, यह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया आफ्टर कृष्णा थर्ड के शासन के बाद. द स्ट्रगल फॉर कन्नौज अमंग द गुर्जर प्रतिहार पाल एंड राष्ट्रकूटा ऑक्यूपाइड अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. कन्नौज पर शासन के लिए, कन्नौज को जीतने के लिए थ्री न्यू पावर्स हैं, उन्होंने आपस में लड़ाइयाँ लड़ी. हिस्टोरियंस दस रिफर्स टू दिस स्ट्रगल एज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, और इतिहासकार इसे त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से भी या संघर्ष के नाम से जानते हैं. त्रिपक्षीय और ट्राइपार्टाइट मीन्स वेयर थ्री पीपल और थ्री डायनेस्टीज इन्वॉल्व इन स्ट्रगल. युद्ध में तीन अलग अलग व्यक्ति या साम्राज्य या शासन जब आ जाते हैं तो हम उसको ट्राइपार्टाइट कहते हैं. नाउ वी विल सी अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी ऑफ द किंगडम्स. अब देखते हैं कि प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे था, इकोनॉमी कैसी थी, मीन्स वहाँ पे खेती कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, राजा अपना शासन कैसा करता था, रूल कैसे करता था. वी विल सी इन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रबंधन और मैनेजमेंट. द किंगडम्स दैट केम इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड अ सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. सुप्रीम अथॉरिटी ले इन द हैंड्स ऑफ द किंग हु वॉज एडवाइज्ड एंड असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यहाँ उस समय में भी राजा के हाथ में सारी शक्तियाँ हुआ करती थी. मेन पावर तो राजा के पास में ही थी, बट जो राजा के जो मंत्री थे वो टाइम टाइम पर ऑन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ही दे ऑल्सो एडवाइज्ड, वो सलाह दिया करते थे और सपोर्ट किया करते थे राजा को किसी डिसीजन को लेने के लिए. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द कन्नौज एंड पार्ट ऑफ गुर्जर प्रतिहार. कन्नौज इज रिलेटेड इन उत्तर प्रदेश करंटली. सो यू कैन सी ऑन राइट हैंड साइड ग्रे कलर डायग्राम शोइंग पाल, ग्रीन कलर गुर्जर प्रतिहार चंदेल एट्सेट्रा द राजपूत, पिंक कलर
इन साउथ फ्रॉम एमपी टू साउथ राष्ट्रकूटास. सो दीज वेयर द डायनेस्टीज, थ्री डायनेस्टीज एंड चोलाज एट द एक्सट्रीम साउथ, चोल किंगडम. ओके, नाउ विल सी एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड पॉइंट. For ease of administration, the kingdom was divided into smaller units called bhukti, which were further divided into vishaya. जो बड़े राज्य हुआ करते थे, कोई भी अगर बड़ा सा राज्य है तो वहाँ पर शासन करना, वहाँ पर एडमिनिस्टर करना ईजी नहीं होता. तो उन्होंने क्या किया कि किंगडम को छोटे छोटे यूनिट्स में, इकाई में, या वार्ड होते ना हमारे यहाँ पर, जैसे एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं, या एमपी में हैं, बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है और वहाँ पावर्स दी जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के हाथ में. सिमिलरली उस समय पे जो बड़े राज्य हुआ करते थे, साम्राज्य, किंगडम्स, वो यूनिट छोटे छोटे यूनिट में बांट दिया करते थे अपने राज्य को, एंड दे वेयर नोन एज भुक्ति. भुक्ति को आगे चल के और बांटा जाता था, डिवाइड किया जाता था, और उन्हें कहा जाता था विषय. ईच विषय कंसिस्ट ऑफ सेवरल विलेजेस, और हर विषय में कुछ गांव हुआ करते थे, सम क्वांटिटी लाइक 10 गांव का एक विषय ऐसे. थर्ड पॉइंट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन. An important feature of this period was the growing prominence of samantas or feudal chiefs. अच्छा, अब जो राजा हुआ करते थे वो तो जाकर कहीं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते थे, तो वो अपने सपोर्ट के लिए, देखभाल के लिए ज़मीनों को किसे दे दिया करते थे, ज़मींदार को, कि ये गांव, इतनी ज़मीन आपकी है और यहाँ से आप मुझे इतना अनाज या इतना पैसा वसूल करके देंगे किसानों से. तो दे वेयर नोन एज सामंता, इन्हीं को जमींदार या सामंत कहा जाता था. ऑफन द किंग वुड पे टू सामंतास नॉट इन कैश बट थ्रू लैंड ग्रांट्स. सामंता को जमीन दे दी जाती थी, बट उनको जल्दी पैसे नहीं दिए जाते थे. उनको ज़मीन का एक भूभाग या पट्टा दे दिया जाता था, पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था कि आप इस पे अपनी इनकम कीजिए. द सामंतास वेयर सपोज्ड टू पे अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द यूज ऑफ लैंड टू द किंग. और जो भी उस ज़मीन से प्रॉफिट होता था, वेदर इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स और ग्रेन्स एट्सेट्रा, तो सम पार्ट ऑफ शेयर, उसमें से कुछ भाग लाभ का, प्रॉफिट का कुछ भाग किंग को देना पड़ता था. कौन देता था ये प्रॉफिट का शेयर? सामंतास किंग को दिया करते थे. एंड प्रोवाइड द किंग विथ ट्रूप्स एंड अदर मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर्स. और राजा को सामंत क्या दिया करते थे? अपनी छोटी छोटी सेना दिया करते थे, अपने लोग दिया करते थे जब राजा को मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी लड़ाई के लिए, बैटल के लिए, तब सामंता अपनी तरफ से लोगों को राजा के पास दिया करते थे एज अ मिलिट्री सपोर्ट. द रूलर्स कंपेयर्ड द पीपल टू पे टैक्सेस इन कैश और इन काइंड ऑफ एज प्रोड्यूस. रूलर्स क्या करते थे, लोगों को, किसानों को कहते थे कि आप हमको टैक्स दीजिए, वेदर इन टर्म्स ऑफ कैश या अनाज के रूप में, और प्रोड्यूस, इन फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस. The resources thus collected were used by the kings to wage war, administer the kingdom and finance, and the reconstruction of forts and temple. ये जो धन, ये जो लगान वसूला जाता था और जो राजा के पास में सब जाता था, ये पैसा, कैश और प्रोड्यूस, तो उससे राजा क्या करते थे कि फाइनेंशियल एक्टिविटी, लेन देन, सैलरी देना, पेमेंट्स करना, और उससे कंस्ट्रक्शन करना, फॉर किले का निर्माण करना, टेंपल्स बनाना, उसमें यूज़ किया जाता था.
वॉरफेयर हेल्प द किंग्स इंक्रीज दियर वेल्थ थ्रू प्लंडर एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड। जब वॉर हुआ करते थे, बैटल हुआ करते थे, तो किंग्स क्या करते थे, दूसरे किंग के किंगडम को हथिया लिया करते थे, जीत जाते थे। व्हेन दे वॉन द बैटल दे एक्विजिशन, अपने राज्य में उस ज़मीन को मिला लिया करते थे या उस ज़मीन पे अपना अधिकार कर लिया करते थे। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट राजपूत पाल राष्ट्रकुटा एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। डियर स्टूडेंट, वी विल स्टॉप हियर एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट गजनवी एंड गोरी। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।